अब हम इस वीडियो में एक्सरसाइज नंबर 2.4 सॉल्व करेंगे। इसका क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि इफ़ ए बी आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन, आगे इक्वेशन दी हुई है, ठीक है। वो कहते हैं कि अगर ए और बी रूट्स हैं इस इक्वेशन की, ठीक है, तो इवेल्युएट क्या करना है हमने, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये जो सारी एक्सरसाइज है ना, ये सिंपल क्वेश्चन हैं, ईजी और शॉर्ट क्वेश्चन ही हैं। तो सबसे पहले हम जो स्टेप्स करते हैं कि हमने सम और प्रोडक्ट को फाइंड आउट करना होता है ताकि हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। तो सम फाइंड आउट करने के लिए और प्रोडक्ट फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले ए बी और सी की वैल्यूज़ असाइन कर लेंगे, ठीक है। तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1, क्योंकि एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट होता है, ठीक है, वो क्या होता है, ए की वैल्यू असाइन करनी होती है, जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट होता है। अब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट तो नहीं दिया हुआ कोई भी, तो हम क्या करेंगे, ए को कंसीडर करेंगे 1 के बराबर, ठीक है। इसी तरह बी जो है वो हमारे पास क्या होगा, एक्स का जो कोएफिशिएंट होता है, एक्स के साथ कौन सी वैल्यू है हमारे पास, पी। तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, पी। एंड देन सी किसके बराबर होता है, कांस्टेंट टर्म्स के बराबर, यानी कि जो बाकी एक्स और एक्स स्क्वायर से हट के जो वैल्यूज़ होती हैं ना, जितनी भी हों, यहाँ पे सिर्फ क्यू दिया हुआ है तो सिर्फ क्यू को हम सी के बराबर कर लेते हैं। ये हो गया काम, पहला स्टेप। सेकंड स्टेप है कि हमने सम ऑफ रूट्स फाइंड आउट करना है। सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू, रूट्स कौन कौन सी हैं, ए प्लस बी, तो इनका सम किस तरह फाइंड आउट करते हैं, माइनस बी ओवर ए से। तो माइनस बी की वैल्यू क्या है हमारे पास, पी, ओवर ए की वैल्यू क्या है, 1। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 1 से जब डिवाइड करेंगे तो इसमें माइनस पी ही रहना है। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड आउट करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू किसके होता है, ए बी मल्टीप्लाई हो रहा है ना आपस में, सी ओवर ए के। तो सी की वैल्यू क्या है, क्यू, ए की वैल्यू 1, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, क्यू के। अब हमारे पास जो, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि ए प्लस बी किसके बराबर है, माइनस पी के, और ए बी जो है वो बराबर है किसके, क्यू के। अब हम फाइंड आउट करते हैं जो उन्होंने क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन देखो, फार्मूला कैसे ओपन करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला कैसे ओपन होता है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस टू ए बी, ठीक है। या फिर इसको एक और तरह भी लिखा जा सकता है, ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस टू ए बी। लेकिन फिलहाल क्योंकि हमारे पास a माइनस बी तो नहीं है, हमारे पास तो a प्लस बी है, तो हम इसको कंसीडर करेंगे, ठीक है, इस फार्मूले को इस तरह ओपन करेंगे प्लस के साथ। तो जब हमारा ये फार्मूला इस तरह ओपन हुआ है, तो अब देखो a प्लस बी की वैल्यू तो हमें पता है, माइनस बी है, और इसी तरह 2, और a और b की वैल्यू क्या है, a और b की हमारे पास q है वैल्यू। तो अब क्या मल्टीप्लाई करते थे, माइनस का स्क्वायर ख़त्म करेंगे तो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, और पी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर। माइनस टू को क्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो टू क्यू आ जाएगा। इतने सिंपल क्वेश्चंस हैं ये, बस ये इतना ही इसका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो एज इट इज़ ही हमने सॉल्व करने हैं, प्रोडक्ट और ये जो अभी क्वेश्चन नंबर 1 है ना, इसके जो 3 क्वेश्चंस हैं उनका जो है वो सम और प्रोडक्ट तो सेम ही रहेगा, ठीक है। आगे उन्होंने क्वेश्चन चेंज दिए हुए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमने क्या करना है। अब देखो प्रोडक्ट और इसको तो हम एज इट इज़ ही रहने देते हैं, क्योंकि हमने प्रोडक्ट और सम तो यही यूज़ करना है। क्वेश्चन यहाँ से चेंज कर लेते हैं। अब उन्होंने क्या किया है, इसी इक्वेशन पे आपने क्या फाइंड आउट करना है, आपने फाइंड आउट करना है ए क्यू बी प्लस ए बी क्यूब, ठीक है। अब हमने ये फाइंड आउट करना है। अब देखो क्यूब जो है, इस
ये तो हमने हर क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है सम और प्रोडक्ट। उसके बाद इसको लिख लेते हैं, ए क्यूब बी प्लस ए बी का क्यूब। अब इसमें कॉमन क्या है, ए और बी कॉमन है ना दोनों में, ए और बी, तो हम क्या करेंगे, ए और बी को कॉमन ले लिया इसमें से, ठीक है। और अंदर अब इसकी जगह क्या आ जाएगा, ए के तो हमने कॉमन ले लिया, अब ए स्क्वायर रह गया इधर, ठीक है, और बी इधर आ गया कॉमन में, बी को नहीं लिखेंगे। इसी तरह प्लस यहाँ पे हमने ए जो है वो कॉमन ले लिया था, ठीक है, और बी जो है उसका एक तो हमने कॉमन ले लिया, तो बाकी कितने रह गए, बी बी स्क्वायर। ये समझ आ गया आपको, ये देखो ए क्यूब और बी में से हमने क्या कॉमन लिया, ए बी को, अभी इतना समझ लो, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग अब हमारे पास कितने ए हैं, हमारे पास 3 ए है ना और बी एक है, तो ए के तो ए से कट गया, बी बी से कट गया, बाकी कितने रह गए, ए ए 2 रह गए ना, तो उसको हम किस तरह लिख सकते हैं, ए स्केयर। तो हमने क्या किया यहाँ पे, ए स्केयर लिख दिया। इसी तरह सेम यहाँ देखो कि ए और बी क्यूब में से, ए और बी क्यूब में से हमने ए बी को कॉमन लिया दोनों में से, तो अब एक ए है और बी कितने हैं, 3 है ओवर ए बी, तो अब ये ए इससे कट गया और ये बी बी से कट गया, बाकी कितने बी रह गए, 2 बी रह गए ना हमारे पास। तो हमने क्या किया, सिंपल बी स्केयर ही लिख दिया, ए स्केयर और बी स्केयर, इस तरह कॉमन के बाद वैल्यूज़ कन्वर्ट हो जाती हैं, ठीक है। उसके बाद अब हमने क्या करना है, अब हमारे पास सिंपल फॉर्म आ गई, ए बी की वैल्यू क्योंकि हमें पता है वो क्यू है, तो हम फिल कर लेते हैं क्यू, और ए स्केयर प्लस बी का स्केयर आपको पता है कि फार्मूला ओपन होता है, कैसे करते हैं ओपन, ए प्लस बी का स्केयर आ जाएगा -2ab, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग अब यहाँ पे देखें कि क्यू तो एज इट इज़, और ए प्लस बी की वैल्यू क्या फाइंड आउट की हुई है, -p का स्केयर -2 × q, ए बी की वैल्यू क्या है, q। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, q × p का स्केयर -2q मल्टीप्लाई, अब हम इसको इतने को रेज करते हैं दोबारा, क्योंकि प्रोडक्ट और सम तो हमने तीनों क्वेश्चन में सेम ही लिखना है, क्योंकि इक्वेशन दी हुई है हमारे पास एक, उसके अकॉर्डिंग। अच्छा यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन क्या है, ए ओवर बी प्लस बी ओवर ए, इसको फाइंड आउट करना है, इसको फाइंड आउट करना है, तो उससे पहले सम और प्रोडक्ट फाइंड आउट करना था, वो हमने ऑलरेडी किया हुआ है। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम इस क्वेश्चन को लेते हैं, ए प्लस बी ओवर बी ए, ठीक है। अभी क्योंकि इन दोनों के दरमियान में प्लस है और ये बटे की वैल्यूज़ हैं, तो इनको हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम ले लेते हैं, तो ये दोनों नीचे वाली वैल्यूज़ आ जाएंगी, ए बी आ गया, ठीक है। ऊपर वाली वैल्यूज़ को क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी होती है, ए को किससे मल्टीप्लाई करना है, इससे ए स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह फिर बी को किससे मल्टीप्लाई करना है, बी को मल्टीप्लाई करना है इससे, यानी नीचे वाली वैल्यू से उल्ट, तो बी स्क्वायर हो गया हमारे पास। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, जैसे कि हमें पता है कि ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला कैसे ओपन होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और -2ab ओवर ए बी। अब यहाँ पे क्योंकि ए प्लस बी की वैल्यू क्या है हमारे पास, पी स्क्वायर आ जाएगा -2q ओवर, यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी हमारे पास, q वैल्यू आ जाएगी, q, ठीक है। तो उसके बाद अब हमने क्या किया, पी स्क्वायर -2q ओवर q। अब इस q को हम अलग भी लिख सकते हैं, यानी कि 1/q अलग कर देते हैं, और पी यहाँ पे हमने क्या किया, 1/q को लिख दिया अलग, और बाकी वैल्यू को हमने क्या लिख दिया अलग करके, इस वाली वैल्यू को, ठीक
इस तरह भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, मर्जी है। और उसके बाद अब हम सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में उन्होंने क्या पूछा हुआ है कि लिख लेती हूँ पहले। अब यहाँ क्वेश्चन मैंने लिख लिया कि सेकंड क्वेश्चन है इफ़ ए एंड बी आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन दी हुई है, रूट्स ये हैं ए और बी। तो वो कहते हैं फाइंड करें वैल्यू ऑफ वन ओवर ए प्लस वन ओवर बी। ठीक है, तो पैटर्न जो है वो सेम ही है। सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है हमने, सम और प्रोडक्ट। तो पहले इक्वेशन लिख लेते हैं, फोर एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। ए इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, एक्स स्क्वायर के साथ कौन सा कोएफिशिएंट दिया हुआ, फोर। बी किसके बराबर हो जाएगा, एक्स के साथ कौन सा कोएफिशिएंट है, माइनस फाइव। और इसी तरह सी क्या है, सी इज इक्वल टू ये लास्ट कॉन्स्टेंट जो हमारे पास आ गया, सिक्स। अब ए बी और सी की वैल्यू हमने असाइन कर ली, सम फाइंड आउट करते हैं। सम ऑफ रूट्स किसके बराबर है, ए प्लस बी सम माइनस बी ओवर ए के। बी की वैल्यू क्या है, माइनस फाइव ओवर फोर इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, ये फाइव ओवर फोर। ठीक है, इसी तरह प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, अब यहाँ पे देखो ए बी, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई हो रही है, तो ए को बी, इस ए बी इस तरह लिखना है ताकि मल्टीप्लाई हो रही। सी ओवर ए इज इक्वल टू सिक्स ओवर फोर। ठीक है, ये आ गया आंसर। अभी इसको क्रॉस नहीं करना, डिवाइड नहीं करना टू पे, ऐसे ही रहने देना सिक्स ओवर फोर को। अब देखो यहाँ क्वेश्चन क्या है दिया हुआ, वन ओवर ए प्लस वन ओवर बी। ठीक हो गया, इसका लेते हैं हम एलसीएम। एलसीएम लेने के लिए आप ए बी एक साथ आ जाएगा, ये दोनों वैल्यू नीचे वाली को इकट्ठा लिख दिया। उसके बाद ऊपर वाली वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इस वैल्यू को, तो ये क्या हो जाएगा, बी वन से मल्टीप्लाई होगा। उसके बाद वन को हमने किससे मल्टीप्लाई करना है, ए से, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी, ए आ जाएगा। ठीक है, देन उसके बाद अब हम वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करो, बी प्लस ए की वैल्यू क्या आई है हमारे पास, ऐसे नहीं सॉरी तरतीब चेंज कर लेते हैं ताकि समझ ना आए। ए प्लस बी की वैल्यू हमारे पास क्या है, माइनस में नहीं है, फाइव ओवर फोर। एक तो ये मक्खियाँ जो है ना, और ओवर ए बी की वैल्यू क्या है, सिक्स ओवर फोर, यही वैल्यू है ना। तो अब क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व कैसे करना है, हम इस जब इतने सारे डिवीजन लिखे हुए हैं ना, तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे फाइव ओवर फोर को एज इट इज़ रहने देंगे और इसको उल्ट कर देंगे, इसको फोर ओवर सिक्स कर देंगे। ठीक हो गया, तो ये फोर फोर से कट जाएगा, किसके बराबर आ गया, फाइव ओवर सिक्स, हमारे पास ये आंसर आ गया। इतनी सिंपल सी कैलकुलेशन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये इक्वेशन और क्वेश्चन जो है वो तो सेम ही है। आगे ये उन्होंने बताया कि फाइंड क्या करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फाइंड आउट करना है। तो क्योंकि हमारे पास प्रोडक्ट और सम तो सेम ही रहेगा, हमने क्या करना है, ये सॉरी ए प्लस बी नहीं है, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, क्योंकि इसमें प्लस तो है नहीं ना, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों पे स्क्वायर है तो कोई फार्मूला नहीं ओपन होना, इसको हम इस तरह लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे अब हमें पता है कि ए बी की वैल्यू क्या है, सिक्स ओवर फोर का स्क्वायर, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा। पहले उन्होंने इसको इससे क्रॉस कर लिया टू पे, और ये थ्री, थ्री ओवर टू का स्क्वायर,
कैसे खत्म होगा? 3 3 9 2 2 कितना? 4। ठीक है, इस तरह कर लें या फिर दूसरी तरह कर लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या उन्होंने हमें क्वेश्चन दिया है, 1 ओवर a स्केयर b और प्लस 1 ओवर a b स्केयर। इसको लिख लेते हैं 1 ओवर a स्केयर b और प्लस 1 ओवर a b का स्केयर। एक बार a पे स्केयर है और एक बार b पे स्केयर। इसको फाइंड आउट करते हैं। अच्छा, इनका एलसीएम ही लेना है, पहले एलसीएम ले लेते हैं इनका। अब ना हम इसका एलसीएम फाइंड आउट करते हैं। 1 ओवर a स्केयर b प्लस 1 ओवर a b का स्केयर। अब पता नहीं इस तरह एलसीएम कैलकुलेट करना है कि नहीं करना, लेकिन वैसे मैं आपको हेल्पिंग ट्रिक बता देती हूँ कि a स्केयर b और हमारे पास सेकंड नीचे वाली वैल्यू क्या है, a b का स्केयर। तो हम किस पे डिवाइड कर सकते हैं इन दोनों को? ए बी पे कर सकते हैं ना डिवाइड। तो अब देखो, पहले वाले को डिवाइड करते हैं। ए ए कितने हैं हमारे पास? 2 a है ना, और बी डिवाइड किस पे करना है? ए बी पे। तो अब ये इससे कट जाएगा, बाकी कितना रह गया? ए। इसी तरह जब हम इसको डिवाइड करेंगे, ए बी कितने हैं हमारे पास? 2 ए बी। अब ये इससे कट गया, बाकी क्या रह गया? बी। अब ए पे डिवाइड कर लेते हैं, 1 आ जाएगा और ये बी एज इट इज़। फिर बी पे डिवाइड करते हैं तो ये 1 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे कितने ए हो गए हमारे पास? 2 a हो गए, और बी कितने हो गए? 1 और ये 2, 2 b हो गए। अब यानी एलसीएम क्या आया? हमने क्या लिखना है? ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक हो गया। अब ऊपर वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई किस तरह करना है हमने? अब यहाँ पे ऊपर वाली वैल्यूज लिखनी है तो किस तरह लिखनी है? 1 के पास ना ए स्क्वायर और बी तो है, इसके पास ए स्क्वायर और बी तो है, हमें चाहिए क्या? ए स्क्वायर और बी स्क्वायर चाहिए। यानी कि 1 को किसकी ज़रूरत है? एक और बी की, ताकि बी बी से बी स्क्वायर हो जाएगा। तो 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? बी से ना। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो 1 को जब बी से मल्टीप्लाई करना है तो बी ही आएगा। यहाँ पे क्या लिख देंगे हम? बी। उसके बाद प्लस का साइन। अब इस 1 के पास क्या है? इस 1 के पास है जी ए बी का स्क्वायर है, चाहिए क्या? ए स्क्वायर बी स्क्वायर। इसके पास ए स्क्वायर तो है नहीं, तो ए 1 को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर ये क्या आ जाएगा? ए के पास, अब 1 के पास कितने ए हो गए? एक ये, तो ये ए स्क्वायर हो गया ना, और बी स्क्वायर तो ऑलरेडी उसके पास है। तो ये वाला आंसर हम यहाँ पे लिख देंगे। अब इनकी वैल्यूज पुट कर लेते हैं। सॉरी, माइनस नहीं, इसकी क्या वैल्यू है? 5 ओवर 4। ठीक है, और ओवर ए स्केयर बी स्केयर को हम एक साथ भी लिख सकते हैं, तो ए बी का होल स्केयर आ जाएगा। उसके बाद हमने क्या करना है? 5 और 4 को एज इट इज़ रहने देते हैं एक दफ़ा, और ए बी की वैल्यू 6 ओवर 4 है, तो इसको स्केयर के साथ लिखेंगे। देन हमने क्या करना है? 5 ओवर 4 जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में किया, हमने इस वैल्यू को क्या कर देना है? उल्ट लिख देना, 6 नीचे। देन उसके बाद हम क्या करेंगे? पहले स्केयर ख़त्म कर लेते हैं, बाद में इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 4 4 से 16, और ये 6 6 क्या आएगा? 36। और उसके बाद ये कट जाएगा 4 से, और 4 को 9। अब क्या आ गया आंसर? 5 ओवर 9। ठीक है, 5 ओवर 9 हमारे पास आ गया आंसर। अब फोर्थ क्वेश्चन को सॉल्व, अब हम फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में हमने ये जो है सम और प्रोडक्ट तो सेम ही है, सॉल्व करने पहले से ही लिखा हुआ है। अब फाइंड आउट क्या करते हैं? लिख लेते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ओवर बी ओवर ए। तो अब ये प्लस का साइन है, यानी इनका एलसीएम फाइंड आउट करना है।
तो एलसीएम फाइंड आउट करते हैं जी, ए और पी आ जाएगा हमारे पास, ठीक है, ए बी। और देन उसके बाद हमने क्या करना है, ऊपर वाले ए स्क्वायर को ए से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ ये ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए क्यूब हो जाएगा, और प्लस बी को किससे मल्टीप्लाई करना है, इस बी को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बी क्यूब आ जाएगा हमारे पास। अब हमने ए क्यूब और बी क्यूब का फार्मूला कैसे ओपन करना है, ए प्लस बी का क्यूब माइनस 3 AB इंटू ए प्लस बी, ठीक है, ओवर AB। अब क्या करना है, वैल्यूज को पुट करते हैं, ए प्लस बी की वैल्यू क्या है हमारे पास, 5/4 का क्यूब माइनस 3, ए बी की वैल्यू क्या है 6/4, और इसी तरह ए प्लस बी की वैल्यू है 5/4, ठीक है, और इन सब को डिवाइड किस पे करना है, ए बी की वैल्यू क्या है 6/4 पे। अब ये इसको हम क्यूब ख़त्म करते हैं तो 125 आ जाएगा, और 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 64, और माइनस 3 को 6 से मल्टीप्लाई करना और फिर 5 से मल्टीप्लाई करना तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 90/4, 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 16, और ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 6/4 से, सॉरी डिवाइड हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम इसको इधर लिखने के साथ, इधर लिखने के लिए क्या करते हैं, उल्ट कर देते हैं, 4/6 कर देंगे, 6/4 था ना, अब 4/6 हो गया बस। देन उसके बाद अब इन दोनों का एलसीएम फाइंड आउट करते हैं, 16 और 64 का एलसीएम क्या होगा, 16 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आएगा, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 16 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 64, अब 25 के पास 64 है तो उसको तो कोई ज़रूरत नहीं किसी से मल्टीप्लाई होने की, तो वो तो एज इट इज ही आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो 90 के पास 60 है लेकिन 64 चाहिए, तो इस 16 को देखेंगे कि हम 64 किस टेबल में किस नंबर पे आता है, 4 पे आता है, 16 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आएगा ना, तो हमने 90 को इस 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो वो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, कर लेते हैं मल्टीप्लाई, 360 आ जाएगा, तो ये 360 हमारे पास आ गया। एंड देन उसके बाद हमने क्या करना है, ये जो साथ वाली वैल्यूज हैं इनको लिख लेते हैं, 4/6 है तो 4 को 64 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 आ जाएगा, अब 16 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 96, और इसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 235 माइनस का आएगा हमारे पास, क्योंकि 360 क्योंकि बड़ी वैल्यू है और बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है, तो फिर माइनस का साइन आएगा आंसर के साथ, ठीक है, ये आंसर आ गया। इतना सिंपल क्वेश्चन था, सिर्फ आपने इस सारे क्वेश्चन में याद क्या रखना है, सिर्फ ये फार्मूला याद रखना है। देन उसके बाद अब थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इस एक्सरसाइज का सिर्फ 2 क्वेश्चन ही रह गए हैं, उसके सब क्वेश्चन जो हैं वो लिख लेते हैं। अब यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन उन्होंने पूछा हुआ है कि भाई इफ़ ए और बी आर रूट्स ऑफ इक्वेशन, इक्वेशन दी हुई है और बताया हुआ है कि एल जो है वो इक्वल टू 0 नहीं है, तो फाइंड क्या करना है, हमने 2 क्वेश्चन दिए हैं फाइंड आउट करने के लिए, हमने ए क्यूब बी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर बी क्यूब फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने से पहले हमने क्या काम करना होता है, सम और प्रोडक्ट फाइंड आउट करना होता है, तो सम और प्रोडक्ट को फाइंड आउट कर लेते हैं। सम सम ऑफ रूट्स किसके बराबर है, माइनस बी ओवर ए के, और प्रोडक्ट किसके बराबर है, ए बी किसके बराबर है, सी ओवर ए के। तो सॉल्यूशन ये जो इक्वेशन है इसके अकॉर्डिंग ए किसके बराबर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है हमारे पास एल, और बी किसके बराबर हो जाएगा एम, और सी किसके इक्वल है एन के। इसके अकॉर्डिंग अब हम
वैल्यूज़ पुट करते हैं, माइनस एम ओवर ए की वैल्यू क्या है एल, ये क्या हो जाएगा माइनस एम ओवर एल। इसी तरह हमने सी की वैल्यू पुट किया तो किसके बराबर आया, सी की वैल्यू क्या है एन ओवर एल। अब हमारे पास ए बी की वैल्यू भी आ गई और ए प्लस बी की वैल्यू भी आ गई। अब हमने क्या करना, अब हमने इस क्वेश्चन को लेना है, ए क्यूब बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी क्यूब दिया हुआ, ठीक है। तो अब इस इन दोनों के पास अब ए स्क्वायर बी स्क्वायर तो है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर तो है, यानी कि तो हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं इनमें से। अब देखो इसके पास क्या रह गया, बाकी सिर्फ एक ए ही रह गया इस प्लस, और इनके पास क्या रह गया, इनके पास सिंपल बी रह गया। अब जैसा कि हमें पता है कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर जब हो तो हम उसको किस तरह लिख सकते हैं, ए बी का स्क्वायर इंटू ए प्लस बी। अब वैल्यूज़ पुट कर लो तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ए बी की वैल्यू क्या है एन ओवर एल का स्क्वायर, ए प्लस बी की वैल्यू क्या है माइनस एम ओवर एल। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, स्क्वायर ओपन कर लेते हैं पहले, एन स्क्वायर एल स्क्वायर माइनस एम ओवर एल, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा माइनस एम एन का स्क्वायर, और ये एल एल से एल स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो थ्री एल हो जाएंगे, यानी कि एल क्यूब। तो ये सिंपल आंसर आ गया हमारे पास। अब हम सेकंड इसका क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में उन्होंने क्या पूछा हुआ है कि हमने फाइंड आउट करनी है वैल्यू किसकी, वन ओवर ए स्क्वायर की प्लस वन ओवर बी स्क्वायर की। इस और ये देखो इसमें क्योंकि एलसीएम है तो एलसीएम हमें पता है कि हमने कैसे फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम एलसीएम फाइंड आउट कर लेते हैं, वन ओवर ए स्क्वायर प्लस वन ओवर बी स्क्वायर का एलसीएम फाइंड आउट करते हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर आ जाएगा। अब इस वन के पास ए स्क्वायर तो है, बी स्क्वायर नहीं है, तो इस वन को किससे मल्टीप्लाई करना है, बी स्क्वायर से। इसी तरह इस वन के पास बी स्क्वायर तो है लेकिन ए स्क्वायर नहीं है, ये देखो बी स्क्वायर तो है ए स्क्वायर नहीं है, तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ए स्क्वायर से। तो जी अब हमने क्या करना है, इसको तो नीचे वाले को तो कंबाइन करके लिख सकते हैं, ए बी का स्क्वायर होल के साथ, ठीक है। और ये जो ऊपर वाला है ना, इसको हमने क्या करना है, इसका करना है फार्मूला ओपन। फार्मूला कैसे ओपन करना है, ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस टू ए बी, क्योंकि ये अलग है ना स्क्वायर, इन दोनों पे अलग है तो उसका फार्मूला अलग ओपन होता है, और वो जो है ना ए प्लस बी का होल स्क्वायर उसका फार्मूला ओपन अलग तरह होता है, ठीक है। फार्मूले तो खैर आप लोगों को आते ही होंगे। तो जी ये कर लिया हमने, अब हम वैल्यूज़ को पुट करते हैं। वैल्यूज़ क्या हैं, ए प्लस बी की वैल्यू क्या है हमारे पास, माइनस एम ओवर एल का स्क्वायर माइनस टू ए बी की वैल्यू क्या है, एन ओवर एल, और एन ओवर एल का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर ख़त्म होता है प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, और एम स्क्वायर ओवर एल स्क्वायर माइनस टू एन ओवर एल और ओवर एन स्क्वायर ओवर एल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे ना हमने अब ये डिवाइड कितनी बार हो रहा है, तो हमने नीचे वाली डिवीजन को इस साइड पे लेके जाना, तो ये उल्ट हो जाएंगी, ठीक है। तो अब इसको ऐसे सॉल्व करते हैं कि इसको जब हम एज इट इज ही रहने देते हैं, इस वाली सारी वैल्यूज़ को, और ये जो है ना ये ऊपर जा, जब उसको साइड पे लिखेंगे ना तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर ओवर एन स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह फिर हमने क्या करना है, अब इन दोनों का ले लेते हैं एलसीएम, क्योंकि इनके दरमियान में है माइनस, तो एल स्क्वायर और एल का एलसीएम लिया तो एल स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास, और इस एम स्क्वायर के पास एल स्क्वायर तो है, तो इसको तो कुछ भी करने की नहीं ज़रूरत है, तो एज इट इज आ जाएगा। इस बेचारे टू एन के पास एक
हमारे पास है, स्केयर की वैल्यू नहीं है, तो हमने क्या करना है, एल से मल्टीप्लाई करेंगे 2n को, तो ये क्या हो जाएगा, 2n और एल, ऐसे ही है ना, और यहाँ आ जाएगा एल स्केयर और एन स्केयर। अब ये इससे कट गया, हमारे पास आंसर क्या आ गया, एम स्केयर माइनस 2n l ओवर एन स्केयर। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर इसको आप एन स्केयर को अलग कर लो, 1 के साथ 1n स्केयर को अलग कर लिया, और इसको एम स्केयर माइनस 2n l को अलग लिख लेते हैं, ये भी सही है, ये भी सही है। ठीक है, तो जी हमारे पास अब आंसर आ गया लास्ट क्वेश्चन का भी। अब हम एक्सरसाइज नंबर 2.5 जो है वो नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है।